हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इसीलिए ठेकों के संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है नियमों की पालना नहीं करवाई जा रही, इसलिए इस बात में इस चीज में इनकार नहीं किया जा सकता कि ये प्रशासन को पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी सुबह जैसा हमारा 8 बजे का बुलेटिन जा रहा है, शराब के ठेके खुलने का समय 9 बजे है, लेकिन 8 बजे भी आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि शराब के ठेके खुले हैं। और 8 बजे नहीं, ये सुबह 6 बजे इन लोगों के शटर उठा लिए जाते हैं और सुबह 6 बजे जो दिन के उजाले में वहां पर ये लोग नियम की उल्लंघना करते हैं और यहीं से अधिकारी प्रशासन पुलिस सब जाते हैं, बावजूद उसके ये लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, आंख बंद करके और आराम से अपने कार्यालयों में बैठे रहते हैं। जी नंद जी बिल्कुल, और जिस तरीके से वहां मीडिया का कैमरा भी पहुंचा, प्रशासनिक अमला भी शहर भर में है, लेकिन जो नजर आता है इन ठेके के संचालकों के मन में कोई डर नहीं है, ये पूरी साहस के साथ ठेकों को खोलते हैं। आप जैसा बता रहे हैं सुबह 8 बजे भी हम देख सकते हैं, आपके पीछे 9 बजे वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले खोलते हैं और पूरी रात ठेका चलता है, जो ये साबित करता है कि इनके अंदर ना तो कानून का खौफ है, मीडिया से भी ये लोग नहीं डर रहे क्योंकि इन्हें पता है प्रशासन तो इनके खिलाफ कार्रवाई करता नहीं। जी बिल्कुल नंदनी, बात यही है, मीडिया से भी इसलिए डर नहीं रहता इनको लगता, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रशासनिक अधिकारी इनसे मिले जुले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज की जानकारी है कि ये लोग ऐसा करते हैं, रोजाना करते हैं, बावजूद इसके आज तक शायद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, एक चीज सुनाई में आई कि अभी कुछ दिन पहले ही नारनौल जो सिटी SHO उनके द्वारा ठेके संचालकों को बुलाया गया था इसी बात को लेकर कि ये लोग सुबह 6 बजे क्यों खोलते, लेकिन बावजूद उसके फिर इन लोगों को वापस छूट दे दी गई। ये लोग रोजाना प्रतिदिन जैसे सुबह 6 बजते हैं वैसे तो खोलते ही है, ओपन शटर खोल के जो ये शराब बेचते हैं, बाकी रात के अंधेरे में शटर के नीचे से भी ये लोग शराब बेचने से बाज नहीं आते। ये लोग लाइसेंस की आड़ में अवैध रूप से शराब जिसे हम बेचना चाह रहे हैं वो लोग ये लोग निरंतर कर रहे हैं। जी नंद मनोज, किस तरीके से शराब के इस अवैध कारोबार को 24 घंटे चलाया जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि एक सेकंड भी ठेका बंद ही नहीं हो रहा है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है नन्ही, इतना ही नहीं यह भी कहा जा सकता है कि रात के समय जब अंधेरा हो जाता है और टाइमिंग जब बंद हो जाती है रात को 12 बजे में, उस समय लोग 1.5 गुना दामों पर भी शराब बेचते हैं, जो सरकार को तो सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान लगा ही रहे हैं बल्कि खुद की ग्राहकों के साथ धोखा भी करते हैं, ऐसा भी ये लोग यहाँ पर करते हैं महंगे दामों में रात को शराब बेच करके। और दिन में आप देख ही रहे हैं तस्वीरें जो आपके सामने हैं कि किसी का खौफ नहीं है, कैमरा देखने के बाद मीडिया को देखने के बाद ये लोग शटर तक डाउन करते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल मनोज, तो क्या यहाँ पर रात को पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, और अगर पेट्रोलिंग होती है तो ठेकों पर जिस तरीके से ये अवैध तरीके से शराब बेची जा रही होती है इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी खुलेआम प्रशासन जो है इन शराब के ठेकों के संचालकों को ये लाइसेंस दे रहा है कि अवैध रूप से आप शराब बेचो, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, या फिर इनकी भी मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस रात भर जो है गश्त में रहती है, गश्त के दौरान सब आने जाने वाहनों को चेक किया जाता है, लेकिन ये चेक नहीं किया जाता कि शहर के अंदर शराब के ठेकों पे रात को शराब बिक रही है या नहीं बिक रही है। मैंने आपको अभी भी बताया कि अभी ऐसी सूत्रों से खबर ज्ञात हुई है कि 1 सप्ताह पहले लगभग CT SHO के द्वारा शहर के अंदर जितने भी शराब के ठेके हैं इनमें से कुछ लोगों को उठाया था, बुलाया था और उनको हिदायतें दी थी, लेकिन वो हिदायतें कहां तक थी आप समझ नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि जो डेली के ग्राहक हैं वो किस तरीके से सुबह सुबह जो है शराब लेने भी ठेके पर पहुंच जाते हैं, मतलब इन बातों से चीज तय है कि रोजाना के ग्राहक हैं, रोजाना इसी टाइम ये लोग यहाँ पर शराब लेने आते हैं और ये ऐसा क्रम रोज चलता है। जिला और मीडिया जब सवाल करती है या कंप्लेंट दीजिए कि किस टाइम कौन सा ठेका खुला था, मतलब ये काम मीडिया उनको करके देगी, मीडिया उन्हें बताएगी कि हाँ ठेके खुले हैं और आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, अगर मीडिया के जरिए भी प्रशासन तक ये बात पहुंच रही है कि अवैध तरीके से शराब का गोरख धंधा किया जा रहा है और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पानीपत की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पानीपत के सेक्टर 29 में गोली चलने से सनसनी मच गई है, गोली लगने से युवक की मौत हो गई है।
गोली लगने के चलते दो युवक घायल भी बताए जा रहे हैं। लोगों ने गोली चलाने वालों को पकड़ लिया है। पानीपत की घटना है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद। कानून का कोई खौफ बदमाशों में नजर नहीं आ रहा। सेक्टर 29 की घटना जहां पर गोली चलने की घटना के बाद सनसनी मच गई है पूरे इलाके में। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पानीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या है पूरी घटना? नंदनी, ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में रात के अंदर फ्लोरा चौक जो है ये सेक्टर 29 में पड़ता है और काफी, आप ये लगा लीजिए, काफी व्यस्त चौक है। उस पर एक व्यक्ति आता है और सबसे पहले मेहर सिंह नाम के व्यक्ति जो दुकानदार है उसको गोली मारता है। उसकी मौके पर मौत हो जाती है। फिर वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है, आजाद मेडिकल स्टोर पर, वहां गोली चलाता है जिससे आजाद जो मालिक है मेडिकल स्टोर के उनको गोली लगती है, लेकिन वो छूते हुए निकल जाती है और कहीं ना कहीं उनका बचाव हो जाता है। लेकिन इसके अंदर मेहर सिंह की मौत हो जाती है और आजाद का जो है उपचार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और मेहर सिंह के शव को जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में रखवा दिया है। वहीं वहां की पब्लिक, वहां के दुकानदार उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो गोली चला रहा था, उसको पुलिस को सौंपते हैं। अब पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी कि इस मामले को लेकर ये व्यक्ति कौन है, किसने गोली चलाई और कहां से आया। जी जितेंद्र, क्या ये लूट का मामला बताया जा रहा है? क्या कारण रहा कि बदमाश पहले एक शख्स को गोली मारकर आया और उसके बाद एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां पर भी अचानक से गोलियां चलाने लग जाता है? तो क्या इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? देखिए, अभी इस मामले में कुछ भी अभी पुलिस नहीं बोल रही है। इस मामले को लेकर सिर्फ पुलिस ने यह जानकारी दी है कि देखिए, हम उससे जानकारी ले रहे हैं कि उसने गोली क्यों चलाई, क्या कारण था। इस मामले को लेकर आज शायद पानीपत के एसपी या डीएसपी सतीशवत इसमें बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन रात भर हम उनसे कोशिश करते रहे, उनसे पूछते रहे कि आखिर इस व्यक्ति की मंशा क्या थी, क्यों गोली चलाई। इस मामले को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन नंदनी, मैं आपको एक चीज और बताइए, अगर आप पिछले एक हफ्ते से और आज तक का देखेंगे तो एक हफ्ते से और आज तक का मैं बताऊंगा आपको, पिछला नहीं बताऊंगा मैं, लगातार आप देखिए, लगातार मर्डर हो रहे हैं। कल मैं सुबह की बात करूं तो एक बच्चे का शव मिला था जो 2 साल 8 महीने का था। उससे पहले दिन जाएंगे तो एक महिला को गोली मार दी गई थी जो कहीं ना कहीं जिसका इलाज चल रहा है। उससे तीसरे दिन की बात मैं बताऊं तो एक व्यक्ति के साथ मर्डर हो गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके की परिस्थितियां पानीपत में है और पुलिस लाचार दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर किस तरीके की कानून व्यवस्था है और किस तरीके के हालात हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे थे जितेंद्र, और हालात बेहद नाजुक है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का खौफ पानीपत में बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। खबर, अचार फैक्ट्री के सैंपल की रिपोर्ट आई है सामने। सीएम फ्लाइंग ने जांच के लिए ये सैंपल भेजे हुए थे। अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। 40 ड्रम के अचार नष्ट किए गए थे। 120 ड्रमों का अब तक कोई पता नहीं है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी और अचार फैक्ट्री में कुछ सैंपल्स भेजे गए थे और इन सैंपल्स में से 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं, यानी कि खराब पाए गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचार फैक्ट्री में 40 ड्रम तो नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन जो 120 ड्रम हैं जिनका कोई पता नहीं और अचार भी असुरक्षित पाए गए हैं, तो कहाँ गए आखिर ये 120 ड्रम के अचार और अब क्या ये मार्केट में बिक रहे हैं? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। कैथल में अचार फैक्ट्री में छापा मारा था और अचार को असुरक्षित पाया गया था, खराब क्वालिटी का पाया गया था, जिसके बाद सैंपल्स को भेजा गया जांच के लिए और ऐसे में 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए, यानी कि खराब पाए गए। अचार फैक्ट्री के 40 ड्रमों को नष्ट कर दिया गया था, यानी 40 ड्रम अचार को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 120 ड्रमों का अचार का कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अचार बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल है और अगर है तो
तो जो सैंपल खराब निकले हैं उनका क्या? अचार की फैक्ट्री है और उसमें अचार इतना गंदा है, अचार में कीड़े चल रहे हैं, खाने के लायक नहीं है, जबकि उसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। तो हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डॉक्टर राजीव है कैथल का सार उन्हीं के पास है, उनके साथ हेडिंग पार्टी तैयार करके और साथ में सीएम साहब फ्लाइंग का स्टाफ, हम यहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब ने भी चेक किया, उनमें सब में कीड़े चल रहे थे, आप भी देख सकते हो ऊपर जो उसको क्या बोलते हैं। कितनी मात्रा में मिला है ये अचार? क्वांटिटी 160 ग्राम के करीब है डॉक्टर साहब, उनमें एक जैसे आसार है किसी चीज का, चार चार सैंपल दिए जा रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके हैं। विपिन, इस पूरी खबर को लेकर चौंकाने वाली बात यह है कि एचआर के सैंपल भेजे गए जिसमें से कुछ सैंपल्स खराब भी निकले हैं, अब इसे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, आगे क्या कार्रवाई होगी? जी हम बता दें कि 26 सितंबर को खुराना रोड पर एक अचार की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी और जहां पे 160 ड्रम में गला सड़ा कीड़े चलने वाला अचार मिला था। ये खुद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी ने हमें बताया था कि उन्होंने खुद देखा है कि 160 ड्रम अचार है जो गला सड़ा है, कीड़े चल रहे हैं उसके अंदर, और उसकी चार सैंपल भेजे गए थे रैंडमली, तो चारों अनसेफ आए, यानी कि असुरक्षित, अगर इन अचार को कोई खा लेगा तो उसके शारीरिक हानि कुछ भी हो सकती है और इसमें सजा का भी प्रावधान है। परंतु कल जब इसको अचार को नष्ट करने की बात आई तो उसमें केवल 40 ड्रम अचार नष्ट किए गए। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब सीएम फ्लाइंग रेड करती है, डॉक्टर के सैंपल भेज देते हैं तो इनका काम खत्म हो जाता है। ये सारा अचार संबंधित थाना जैसे सिटी थाना पड़ता है उनकी कस्टडी में दे दिया जाता है कि आप इस अचार को सील करके अपनी कस्टडी में रखेंगे और जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इनकी जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन उससे पहले ही अचार फैक्ट्री को खोला भी गया, अचार बदला गया, अचार हटाया गया, क्या रहा 120 ड्रमों का कुछ नहीं पता। केवल कल पत्रकारों के सामने 40 ड्रम अचार जमींदोज किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जानकारी के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी तादाद में आखिर अचार जो 120 ड्रम है उसका कुछ पता नहीं है, आखिर वो अचार नष्ट क्यों नहीं किया गया, अपने आप में बड़ा सवाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। प्रदेश में क्या रहे पिछले 24 घंटे में हालात, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा के अंदर स्थिति हर दिन के साथ खराब होती हुई, 1650 नए मरीजों की पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटे में। गुरुग्राम में 399 और फरीदाबाद में 270 नए केसेस सामने आए हैं। हिसार में 195 और रोहतक में 106 नए मामलों की पुष्टि। सिरसा में 92, रेवाड़ी में 84 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1777 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,65,467 केसेस कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक दिन में 1,189 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और कुल 1,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें पिछले 24 घंटों में कालावली क्या हालात, क्या है तस्वीर? जगदीश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी जी जी, पिछले 24 घंटे के हालात बताएं कालावली के। चलिए जगदीश, तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल आपको बता दें पूरे हरियाणा में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा डराने वाली स्थिति है, 399 केसेस गुरुग्राम से सामने आए हैं। जगदीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, पिछले 24 घंटे में क्या है कालावली के हालात?
जी नंदनेर कालावली की बात करें तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3 केस हैं जो कालावली में नए आए हैं। दिन प्रतिदिन जो केस है नंदनी आ रहे हैं लेकिन लोग हैं कि सचेत नहीं हो रहे। एक नंदनी जाहिर सी बात है कि लोग जो है टेस्ट करवाने के लिए जो लोगों में एक डर पैदा हो रहा है। जो अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर आती है तो दुकानदार देखे जा रहे हैं कि दुकानदार दुकानें बंद कर भाग निकलते हैं। कहीं ना कहीं टेस्ट करवाने से लोग डर रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों में एक अवेयरनेस का होना जरूरी है कि टेस्ट करवाएंगे तभी वो कोरोना की बीमारी से बच पाएंगे। लेकिन लोग हैं कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जी नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। और हमारे साथ फतेहाबाद से सतवीर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, अगर फतेहाबाद की स्थिति के बारे में बात करें पिछले 24 घंटे में क्या है हालात? देखिए नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में पिछले 24 घंटे में 33 जो मरीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके साथ ही सुखद समाचार ये भी है कि 11 लोग जो हैं वो ठीक होकर घर चले गए हैं। अगर जिले की बात करें अब तक की स्थिति की तो अब तक 3005 लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 2670 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिले में एक बार जो विकराल रूप धारण किया था उसमें कुछ सुखद समाचार अभी मिल रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जाते रहे हैं और अब तक जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 59 यानी 59 पहुंच चुका है। और जो लोग हैं अब वो कहीं ना कहीं संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। आमतौर पर हम बाजारों में देखते हैं तो लोगों में 80% जो मास्क है वो नहीं मिलता 80% लोगों के जी, और जी। जो डिस्टेंसिंग का मैटर बिल्कुल लोगों में तो बिल्कुल गंभीरता नहीं। और ये एक बड़ा कारण है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही हरियाणा में जो आंकड़े थोड़े अंडर कंट्रोल नजर आ रहे थे अब वापस से आंकड़ों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।